वेलकम टू माय चैनल पूनम ऑफिशियल। तो आज है हरतालिका तीज, तो देखिए पूजा हम कर रहे हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग तो ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि देखने में लग रहे हैं कि बहुत तरताज है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोरी लग रहा है। और वैष्णो जानती है, वैष्णो बैठी है और लव सेट करिए। और मेरा देखिए लुक आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में करके बताइए। तो चलिए पूजा करते हैं। देखिए सब भाइयों बहनों सबको हरतालिका तीज की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं। गर्मी इतना नीचे नहीं कहेंगे तो थकावट हो जाता है। नीचे इतना सामान कर कहानी पढ़ेंगे बस हो जाएगा। ठीक है। गर्मी इतना गर्मी है कि इसका कोई हद नहीं है, बहुत गर्मी है। मम्मी भी पूरा पसीना पसीना हो गई है। व्रती को चाहिए कि नित क्रिया से निमित्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास वर्ष के तिथि आदि का चरण करते संकल्प लें। हरतालिका व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। शिव जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती का केशवाल अलंकृत है और मुंडी की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है। जो पार्वती देव अस्त वस्त्र धारण करे हैं आज वो शिव जी दिगंबर हैं। ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई सेवा पार्वती कहती है हे महेश्वर का हमें कोई खुद व्रत या पूजन पाता है जो सब धर्मों से सरल और सही है, जिसमें परिश्रम भी कम पड़ना पड़े लेकिन अधिक फल मिले। हे नाथ यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो ये विधियाँ बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि हुआ मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि मैं तुम मेरी पेशी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को इसका अनुष्ठान प्राप्त करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी तुम आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा हे नाथ मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपको मुझसे सुनना चाहते। शिव जी ने कहा भारतवर्ष में उत्तर की ओर से एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है जिसके उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ तरह तरह के वृक्ष और
फल लगे हुए नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते। वहाँ पहुँच कर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पंचिंगन प्रवता प्रश्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्व गाते हैं, स्वयं हंसती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनके स्फटिक रत्न और वेदिकोणियों आदि की खाने भयानक बनने चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक पर्वत बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा का आश्रम बना लिया और मेरी एक बालिका में प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। मान पति पाती है और सब मानने पर वो तुम्हारी समान हो जाती है, रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारी भोग और संयंजित मिल जाती है। इस हर कलिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी के 1000 असमय और सैकड़ों वाजपेयी करने का फल प्राप्त होता है। ये देवी मैंने ये व्रत सब व्रत में उत्तम व्रत लाने से करने से प्राणी सब आपस से छूट जाते हैं, कुछ भी संशय नहीं है। रात के 12 बज गए हैं और प्यास बहुत लग गया है, लग रहा है कोई ठंडा ठंडा शरबत घोर कर पिला देता है। और आज मेरी भूमि का बर्थडे है, 31 अगस्त हो गया है। तो देखिए यहाँ वीडियो कॉलिंग पे बात भी हो रहा है, ब्लॉग भी बन रहा है। तो सही है बेटा, प्यास दम लग के 10 मिनट हो रहा है देखिए, और दम यहाँ कंठ सूख रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है, अगले बार नहीं लग रहा था। गाइस देखिए चूरा मेरा कैसा लग रहा है, ये तीज के दिन, तीज का तो है ही नहीं आज दिन, तो ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साड़ी तो ब्लॉग बनाया है तो उसमें देखे होंगे, बाकी सब पहने थे जो उतार दिए, भारी भारी लग रहा था पसीना से। ये लोग भाई बहन गए लोग का आधा घंटा एक घंटा बाद चलेगा। इस बार ज़्यादा लग रहा है बेटा हमको, अगले बार नहीं लगा था। इस बार मौसम भी उतना अच्छा किया नहीं, अगले बार मौसम भी बहुत अच्छा, जबकि ऐसी चल रहा है फिर भी। हाँ इस बार ज़्यादा लग रहा है, फोटो नहीं डाले हैं बेटा, फोटो वोटो डालेंगे कल आराम से, फोटो डालेंगे। कोई इंस्टाग्राम में आग लगा रहा है, फिर कोई इंस्टाग्राम में गाड़ी आग लगा रहा है, गजब बोलती है। हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके पापा और हम बनाए नहीं इस वीडियो, टेम्परेचर बढ़ रहा है बना। और मेरे फोटोग्राफर मेरी ये बिटिया थी, मम्मी को हटहट करती है, बहुत नटखट हो गई है, बहुत नटखट हो गई है, हटहट करती है, ऐसे आएगी मम्मा मम्मा करे आएगी। चलिए चिमनी तो जल्दी से चार्ज करो, चार्ज करो बैटरी, नहीं बैटरी चार्ज कर रही है पहले पैसा। अच्छा दो ना चुम्मी, तो बैटरी चार्ज करो, जल्दी से चार्ज करो। 7 करोड़। चलो मैं बैटरी में बेटी चार्ज कर दी, जब हम फास्टिंग करते हैं गाइस तो मैं बेटी हमको चुम्मी देती है तो मैं बैटरी चार्ज हो जाता है। बेटा तो देगा नहीं, देगा दिखा कर तो पब्लिक को देगा नहीं, वो ऐसे ही देता है। मिट्टू मेरा पैर दाबता है तो गैस पालन करने के लिए बताते हैं। कल पारण में क्या बनाए खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना अभी का बिल्कुल उतना अच्छा लग नहीं रहा है ना बेटा। हाँ देखिए मैं बेटा, अच्छा विराज भी कल हम खिलाएगा क्या, छिप गया है कुछ।